तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। साउथ इंडस्ट्री ने इंडियन सिनेमा में जो जगह बनाई है उसका जीता जागता सबूत आज हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ बॉलीवुड के जाने माने दो सुपरस्टार सनी पाजी और अक्षय पाजी की फिल्म लगातार थिएटर हाउस में हाउसफुल शोज देकर जबरदस्त ग्रो कर रही है, तो दूसरी तरफ जेलर भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। जहाँ दोस्तों रजनीकांत की जेलर ने आज तीसरा दिन कम्प्लीट कर लिया है, तो अभी बात करेंगे मूवी कितनी कमाई अभी तक कर चुकी है, गदर 2 और OMG 2 के बाद भी मूवी ग्रोथ में कुछ फर्क आया या नहीं, आज तीसरे दिन से कितनी कमाई अपने खाते में रख रही है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी रजनी सर के डाई हार्ट फैन हैं और जेलर मूवी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रजनी सर ने लिया है सॉलिड कमबैक। एक तरफ जहां गदर 2 स्क्रीन फाड़ फाड़ के पैसा बटोर रही है, तो दूसरी तरफ कंटेंट के दम पर OMG 2 ने भी सिनेमा घर में झंडे गाड़ रखे हैं। तो थलाइवर रजनीकांत सर की जेलर भी कम आग नहीं मूत रही है भाई साहब। जी दोस्तों, रजनी सर के मेन लीड में बनने वाली जेलर, जिसको डायरेक्शन दिया है नेल्सन दिलीप कुमार ने, सपोर्टिंग में आपको मोहनलाल सर और जैकी दादा उर्फ जैकी श्रॉफ देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों, रॉ एंड मासी ब्रूटल एक्शन की जबरदस्त सिनेरियो मूवी में सेट किया है और रजनी सर का ऐसा मासी लोग जनता को पसंद भी खूब आ रहा है, लोग मूवी को काफी पसंद कर रहे हैं। जी दोस्तों, अपने पहले दिन इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर साबित हुई रजनी सर की जेलर, जिसे 2000 स्क्रीन्स दी गई थी और पहले दिन ही हाफ सेंचुरी मारते हुए दूसरे दिन भी पब्लिक को थिएटर तक लाने में सफल रही हैं और मूवी को पब्लिक से काफी पॉजिटिव रिव्यू और रिएक्शन भी मिल रहे हैं, जिससे अपने ओपनिंग डे में ही 57 करोड़ का कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस से करा और पूरी दुनिया से 91 करोड़ का कलेक्शन पहले दिन में करा था। इसी के साथ दोस्तों दूसरे दिन ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 35 करोड़ का टच करके पहले दो दिन में ही सिर्फ इंडिया से 92 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा अपने खाते में रखा था और दूसरे दिन पूरी दुनिया से 140 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में सेफ रखते नजर आई है मूवी। लेकिन बात करें आज यानी अपने तीसरे दिन में कैसी ग्रोथ है मूवी की, तो यस, आज भी मॉर्निंग से ही अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी रेट के साथ आफ्टरनून और इवनिंग में काफी सोच अपने खाते में रखते हुए इवन गदर 2 और OMG 2 दोनों को भयंकर टक्कर देते हुए मूवी ने बहुत सॉलिड आंकड़ा अपने खाते में रखा है। ये दोस्तों आज कल से बेटर परफॉर्म करते हुए 35 करोड़ का आंकड़ा इंडियन बॉक्स ऑफिस से कलेक्ट किया है। इसी के साथ पहले तीन दिन में ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 130 करोड़ के ऊपर सेट कर लेगी मूवी और पूरी दुनिया से आज का यानी तीसरे दिन का 50 करोड़ का कलेक्शन भी मिलाकर मूवी 190 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा अपने खाते में रखते नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, एक तरफ मॉन्स्टर गदर 2 होने के बाद भी रजनी सर अपने हिस्से की रकम थिएटर से चुरा ही ले रहे हैं। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। पहले ये, रजनीकांत और सनी देओल में आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? दूसरा ये, क्या गदर 2 और जेलर में जबरदस्त टक्कर होगी? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय और एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।